हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ब्लैक सिल्किन साड़ी का रिव्यू देने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फटाफट से अपना वीडियो। ये मैंने जहाँ से मंगाई है वो सब मैं आपको बता दूंगी आगे। ब्लैक कलर की साड़ी है, इस तरह के पैकेट में आई थी और ये मैंने बताया आपको फ्लिपकार्ट से खरीदी है। ब्लैक कलर की है, इसमें और भी काफ़ी कलर, तीन चार और भी कलर्स हैं। मैंने ये ब्लैक कलर मंगाया है और ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, मैंने अभी बताया ही। और इसमें पूरे में सीक्वेंस वर्क, सीक्वेंस फैब एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इसमें सीक्वेंस वर्क किया ऑल ओवर पूरी साड़ी में। देखिए इस तरह का जिस कलर की साड़ी है सेम वैसे ही कलर के सीक्वेंस लगाए हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसका प्राइस और ब्रांड वगैरह मैं आपको सब स्क्रीन पर शेयर कर ही दूंगी, जैसे आप लेना चाहें अगर तो हेल्प हो जाए आपको। और फ्रेंड ये 5.5 मीटर की साड़ी है, ऑल ओवर पूरी साड़ी में इस तरह का सीक्वेंस वर्क है। और ये आता है हमारा इस पॉइंट तक पीछे जो ये वाला पीछे, बस इन्होंने जहां पे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं साड़ी बांधना उस एरिया में बस सीक्वेंस में दिया हुआ है वर्क, इतना है समझ लीजिए, इतने एरिया, इतने एरिया में उन्होंने जो हम स्टार्ट करते हैं पहले साड़ी बांधना, बस केवल उतने एरिया में इन्होंने सीक्वेंस का वर्क नहीं दिया हुआ है, उतना एरिया खाली है। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है, कंफर्टेबल भी है। देखिए तो ये क्लियर हो गया ना आपको कि जो एरिया हम पेटीकोट में स्टार्ट में इनर में स्टार्ट करते हैं बांधते हैं वो वाला प्लेन है, और उसके बस थोड़ी देर थोड़ी दूरी पर से ही ये सीक्वेंस वर्क स्टार्ट हो गया है। और ये बहुत अच्छा वाला जो डार्क ब्लैक होता है ये वो वाला है, बिल्कुल डार्क सा ब्लैक जो होता है ये वो है, मतलब लाइट लाइट सा नहीं है, काफी डार्क वाला है। और ये सीक्वेंस भी काफी डार्क से लगाए हुए हैं इन्होंने, और मतलब कंफर्टेबल भी है, मुझे तो काफी कंफर्टेबल लगी पहनने में। और इसका मतलब अंदर की तरफ ये देखिए फिनिशिंग वगैरह भी काफी अच्छी है, कहीं थ्रेड वगैरह इस तरह से क्लियर पता नहीं चल रहा है। साइड में इन्होंने इस तरह अंदर की तरफ इस तरह से डबल फैब्रिक लगा दिया है, मतलब काम जो है वो अच्छा है इसमें। ये देखिए ये अंदर का साइड मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर का ये पूरा देखिए, कहीं मतलब धागे वगैरह ऐसे निकले से नहीं है, फिनिशिंग वगैरह काफी अच्छी है। और ये वही पल्लू एरिया तो डिफरेंट थे नहीं है, पल्लू एरिया सेम वैसे ही है पूरा। और ये जो मैंने दिखाया था आपको अंदर की तरफ इन्होंने ये डबल कपड़े का बॉर्डर दिया है वो देखिए पल्लू में भी दिया हुआ है इन्होंने अंदर की तरफ फिनिशिंग देने के लिए, मतलब काफी अच्छा वर्क और फिनिशिंग वगैरह है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसका ब्लाउज पीस। और ये ब्लाउज पीस डबल है, मतलब इस तरह से स्टिच किया हुआ है इन्होंने, ये देखिए डबल है से फोल्ड है ना, उन्होंने फोल्ड किया हुआ और लिखा है इन्होंने मेंशन किया बनारसी सिल्क। अब बनारसी सिल्क तो नहीं हो सकता लेकिन ये है कि थोड़ा सा शाइनिंग वगैरह सिल्क जैसी है, और कपड़ा भी ठीक है, और बिल्कुल डार्क ब्लैक प्लेन कपड़ा है, फैब्रिक है इसका। लाइनिंग वगैरह तो हमें लगानी पड़ेगी बट रफ नहीं लग रहा है, ठीक है। डबल है इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने स्टिच किया हुआ है साड़ी के साथ, तो अगर आप सिलवाना चाहते हैं तो सिलवा सकते हैं, नहीं तो नहीं किसी और ब्लाउज के साथ पहन सकते हैं। मेरे पास तो है पहले से तो मैं नहीं सिलवाऊंगी बस फ्रेंड। अब फ्रेंड मैं आपको इसे पहन के थोड़ा दिखा देती हूँ, इसकी फोटो डाल देती हूँ, पहन के दिखा देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसका डिजाइन वगैरह, इसका लुक कैसा है आ रहा है पहनने पे, किस तरह से
लगेगी ये इस तरह का, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा।